अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, केम ना छो, कसा काय और कैसे हैं आप लोग। तो आज है संडे और संडे के बज रहे हैं शाम के 6। तो मेरी जो कुक आने वाली है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूज है कि आज लॉकडाउन है तो आया नहीं है, क्योंकि फ़ोन आया था, हम लोगों ने बोला हम आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि दिन में मैंने उन्हें छुट्टी दे दी थी, क्योंकि दिन में मैंने बना लिया था और मेरे को लग रहा था कि एक टाइम का उनसे देखते हैं पहले बनवा के तो कैसे बनाती है। तो मैंने राजमा जो है ना वो भी भिगो के रखे हुए हैं, मन नहीं कर रहा है किसी को भी देखने का, एटलीस्ट ये रहेगा जब लाइट सही कर दो, लाइट गिर दिए। कल आप मतलब कल नहीं आओ? हाँ कल शाम को आऊंगी, शाम को आ जाऊंगी। आप बनना क्या है ये बताइए, आप राजमा और ये परवल बना? हाँ राजमा। आप कैसे बनाते हो राजमा? राजमा ग्रेवी वाला, प्याज लहसुन सब खाते हैं आप? हाँ हाँ, पीसने के लिए लेना पड़ेगा आपको। और ये कैसे बनाते हैं परवल? आलू वाले तले वाले ना, इसमें कुछ नहीं डालेगा ना। आप जैसे बनाते हो ना, खाना राजा देख रहे हैं मैच और मेरे बाल कोम नहीं क्योंकि मैंने बाल वॉश करे थे आज, और ये कैमरे वैमरे का काम था, 3-4 घंटे लग गए कैमरे लगने में, तो सारे कैमरे फिक्स हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं आराम से वहाँ बैठी हुई थी, बीच में आपको मैंने सारा सामान निकाल दिया था,
तो आराम से बैठ के जो भी था हम लोग बेडरूम में देख रहे थे कि वो क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। उन्होंने खाना बना दिया है, जहाँ पे पहले खाना दिखा देती हूँ। चावल मैंने नहीं बनवाए हैं क्योंकि मेरे को रात में चावल या हो सकता है कि रात को खाने होंगे तो मैं खुद ही बना दूंगी। तो ये है मैंने आलू और परवल की सब्जी बनाई है। सुबह वो नहीं आएंगी क्योंकि उनके जो बच्चा है एक 11th class में और एक छोटा बच्चा आपने आई थिंक पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो वो बच्चा मतलब जो बड़ा बच्चा है ना उनका पेपर है वो केवी में है, तो केवी में मैं भी पढ़ी हूँ सेंट्रल स्कूल में, तो उनका कल लास्ट पेपर है तो छोटे बच्चे को संभालना है इसीलिए वो कल दिन में नहीं आएंगी, शाम को आ जाएंगी। तो मैंने ये सब्जी एक्स्ट्रा बनवा ली थी कि मुझे कल काम आ जाएगी। वैसे मैं सिर्फ राजमा बनवाने वाली थी, फिर मेरे को लगा ये सब्जी बनवा लेती हूँ और कि दिन में काम आ जाएगी। तो ये हो गई है आलू परवल की सब्जी, एक क्लोजअप के साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैंने टेस्ट नहीं किया है खाना अभी तक। आलू और परवल की सब्जी जो कि देख काफी अच्छी लगी वैसे। और ये है राजमा, ये है राजमा, और ये राजमा भी एक्स्ट्रा ही बनवाए हैं। कल सुबह राजा ठंडा पराठा खाते हैं। और यहाँ पे मैंने रोटी सिकवा दी है, टोटल 10 रोटी सिकवा के मैंने सिकवा दी है। रोटी मतलब बहुत प्यारी रोटी बनाई है, पतली पतली। हाँ स्कूटी चाहिए। सिर्फ 8 बजे हम लोग खाना नहीं खाने वाले, तो हम लोग का खाना बहुत टाइमली तैयार है, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ खाना तैयार हो गया, अब मैं आराम से रेस्ट कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत काम निपटाना है वो करती हूँ, मैं थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकती हूँ, ठंड संडे भी है। तो देखते हैं खाने में अगर कुछ भी रेड लाइक मिर्ची और जो भी हम लोग अपने हिसाब से खाते हैं वो एडजस्ट करा लेंगे बाकी, क्योंकि फर्स्ट था ट्राई तो ये हो गया। तो मेरी बहुत सारी तकलीफें जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है कि अगर मेरी तबीयत बीच में ऐसे खराब भी होती है तो खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बस एक काम, अब मेरे पास ऑलमोस्ट सारे काम के लिए हाउस हेल्प है, खाने के लिए हो गई हैं, झाड़ू पोछे बर्तन के लिए वो कर रही है, वो जो मेरी दूसरी करती है वो कपड़े भी करवा देती है, और कभी कभी कपड़े मैं खुद भी कर लेती हूँ, तो कपड़े की भी टेंशन नहीं है। और काम के बच्चा डस्टिंग वगैरह मैं इन्हीं से करा लूँगी, लाइक ये जो आती है मेरी सुबह इन्हीं से डस्टिंग ज़्यादा चढ़वाने हैं मुझे घर। और कैमरे का बहुत सारा काम हो गया, बस गेट लगवाना है, गेट का काम कराना है, और घर जो है वो फुली सिक्योर हो गया है। संडे आज ऐसा रहा कि संडे यूटिलाइज हो गया है, तो यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि रसोई का कितना व्यू आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रसोई का क्या व्यू आ रहा है, खाना जो बन रहा था। तो चलिए रूम में चलते फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ पराठा, और ये सब्जी जो थी इसके साथ कैसे आलू कच्चे की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, ऐसी राजमा भी बहुत अच्छी बने। तो पराठा बना रही, रोटी ऑल दो बनी रखी है, पराठा खाएंगे मिस्टर राजा। राजा ने बोला मुझे ना ठंडा राजमा खाना है, पराठा कभी खा के देखिए, कॉम्बिनेशन सच में बहुत अच्छा है। एक जम जाएगा, बड़ा बड़ा राजमा खाना है नहीं रखना फ्रिजर में, पागल नहीं, थोड़ी देर में निकाल देंगे ना, आधे घंटे तुम बर्फ डाल के खाओ राजमा में। राजमा बोलो दिल वाली बर्फ डाल के खाए। आप पता है आपको एक ताजा खबर देती हूँ, रिसेंटली यहाँ पे एक छिपकली की फाइट हुई है, तो यहाँ पे टोटल 3 छिपकली थी, एक छिपकली नीचे घूम रही थी, तो बोझो पकड़ लेता तो उस पर मैंने हिट डाली तो वो बेहोश हो गई। तो बेहोश होने के बाद मतलब बेहोश होके उसे हमने बाहर निकाल दिया, पर वो जिंदा थी तो उसे बाहर निकाल दिया, वो बाहर रही फिर तो बेहोश करके हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। अब 2 छिपकली थी ऊपर, एक छिपकली आई, वो एक छिपकली के साथ एक छिपकली ने उसकी पूछ पकड़ी, और लड़ाई हमने फर्स्ट टाइम देखी छिपकली की, लड़ाई लड़ाई थी हाँ, फिर वो भगी वो आई छिपकली पकड़ी थी ऊपर मत बोलो प्लीज, मेरे को पता बहुत डर लग रहा है, लग रहा मेरे पर ना गिर पड़े, वो आके गिर पड़े, अगर वो मेरे पर गिरी मैं गिरी। मुझे छिपकली आना बस, मैं छिपकली से डर नहीं, मेरी छिपकली बहुत अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती जब मैं छिपकली के बारे में सोचती हूँ। मार
के आ रही है उसको लड़ लड़ा वो देखो वो फिर पूछ ले आ रही वो वो कत्ल करके उसके नाखून में है कुछ हाँ वो एक कत्ल करके आई है मतलब सजा होगी इसको ये कत्ल करके आई है तो गुड मॉर्निंग तो कल कुछ काम ही नहीं बचा था मेरे पास रात में सब कुछ क्लीन था रसोई वसोई क्लीन करके चली गई थी खाना हो गया था और खाना जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था मतलब टेस्टी खाना था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें वो वाले भी क्या लाइक होटल टाइप का खाना बनाना भी आता है तो खाना काफ़ी अच्छा बनाया था बट मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा सा मसाला जो था वो मैंने बोला कि अच्छा सा राजा है तो मुझे नहीं पता था ज़्यादा अच्छा सा हो जाएगा तो राजा जो है ना उन्हें आज दिन से मतलब सुबह से जब से उठे उनके पेट में दर्द हो रहा है तो आज से मैं क्या करूँगी आज मैं उनसे बोलूंगी कि मसाला थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि मैंने ही बोला था यही गलती है मैंने बोला था कि अच्छे राजमा बना देना जैसे ग्रेवी वाले थे थिक ग्रेवी वाले मैंने ही बोला था तो उससे राजा को थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना वो हो गई तो आज सुबह के पेट में दर्द है तो ये ऑफिस भी नहीं जा पाए इतना दर्द था पेट में चाय मैंने चढ़ा दिया तो कपड़े देख लो कुछ कपड़े देने होता अब मैं लगा रही हूँ मशीन और पता है मेरे बालाजी का यहाँ पे वो रखा हुआ लगाया हुआ था यहाँ पे ऊपर में ना बालाजी का टाका हुआ था मेहंदीपुर बालाजी है ना जो उनका ये ठीक है तो अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट मुझे ना इसे वापस लगाना इसमें धागा लगाना मैं राजा को कल कहा था कि उठा देना पर वो तोड़ के चला गया यार था वो अब हमारे दरवाजे पे एक भी नहीं है मैंने हर जगह पर टांगे हुए थे अपने दरवाजे पे पता ऐसी फीलिंग होती है कि रक्षा होती है पर पता नहीं वो जो कैमरे वाला आया था ना उसने कल तोड़ दिया ये भगवान जी के हो गए पर हम लोग बालाजी जा ही नहीं पाए हम लोग पहले हर साल बालाजी जाते थे अभी ये ना 3 साल हो रहे होंगे क्योंकि मेरी मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हुआ ना तब से हम लोग जाते नहीं इतना रेगुलर वहाँ पे तो हम दिल्ली से ही चले जाते थे जयपुर मैं जयपुर नहीं दो हैं देखिए कपड़े जीन्स निकाल रहे हैं ये देखो मैंने इनकी जीन्स लगा रही है पहले उसके बाद इनकी टी शर्ट धोती हूँ नहीं यार पहले टी शर्ट धोती हूँ फिर जीन्स जीन्स काफ़ी ना हैवी पड़ती है धोने में तो आजकल मैं क्या करती हूँ मैं इसी में वॉशिंग पे लगा लेती हूँ और अरे यार पाइप बाहर रखी हुई है ये मौसम कितना अच्छा सा हो रहा है यहाँ पे घूमने वाला मौसम हो रहा है घूमने वाला मौसम हो रहा है हाँ बहुत घूमने का दिल करता है पानी भरने में लगे हैं पागल हो गया हूँ मैं 8-10 लीटर पानी भर गया 8-10 लीटर पानी भर दिए 4 लीटर तो वही हो गई हाथी हाथी दो बड़ी बड़ी कम हम क्या हुआ मेरा पेट दुख रहा है अब पानी भरने में लगे देखो चाय उबाल आया
ये मेरी उंगली पता है अंगूठी पहनने के बाद ऐसी जाती है ना, ऐसा खून ही निकल जाएगा। ये देखिए मेरी अंगूठी, मेरे हाथ देखो तुम, उंगली स्वेलिंग कैसे? अरे अच्छा अंगूठी से उतार दो थोड़ी देर के लिए, ऐसा लग रहा पानी में नहीं गल जाती। हाँ वो जलन हो रही है। बन गई चाय? पक्का बन गई? हाँ हो गया आधी के आधी। तो ना मुझे ना गाड़ी चाय पसंद है, और हाँ तो मुझे ना गाड़ी चाय पसंद है, तो गाड़ी चाय बनाती हूँ मैं, तो उसके लिए मैं दूध डाल देती हूँ, अच्छा सा दूध, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर उबालने के लिए मैं सिम पे कर देती हूँ। अब वो चाय जो बनती है ना वो मलाईदार चाय बनती है, मुझे ना मलाईदार चाय बड़ी पसंद है। राजा को वहीं पे दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद है, पर वो दूध वाली नहीं बनाती मैं, किसी थोड़ा स्ट्रॉन्ग यार। कहीं कहीं मिलती है बहुत प्यारी दूध वाली चाय, हाँ कहीं कहीं मिलती है, वो इलायची विलायची डाल के बनती है वो वाली चाय, वो अलग चाय। देख लो आधी नहीं हो गई है मेरी, आ जाओ तुम चाय ले। मेरे को लगा था कहीं घूम के आएंगे, मेरे को ये सोफे के कवर आप लोग कह रहे हैं और ये कर्टन्स कह रहे हैं चेंज करने के लिए, तो यार मैं मार्केट जाना नहीं चाह रही हूँ। जो भी शॉपिंग कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल ऑनलाइन ही हो रही है, अभी मार्केट जाना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा था संडे को। थैंक यू सो मच, यहाँ पे ना लॉकडाउन लगा था संडे को और आपको पता है यहाँ पे कंडीशन ऐसी नहीं है कि घूमने लायक हो, पर मैं सोच रही थी मैं घूम के आऊँगी, पर मैं आउट में जाती हूँ, मैं सिटी में नहीं जाती, मतलब इन मेन मार्केट्स, पर अब धूप निकल गई तो वो भी नहीं, पता बहुत बोरियत हो रही है घर के अंदर। आज मैंने इतनी सफाई कर दी बता रही, आई मेरी हाउस हेल्पर आई थी अभी, मुझे बर्तन मांज रही थी तो मैं देख रही थी, फिर मैंने आज अपनी हाउस हेल्पर की चोरी पकड़ ली, वो ना स्लैब पे झाड़ लगाई उसने, खा लो मेरी कसम, तुम्हारी कसम, तुम जाके रिकॉर्डिंग चेक करो, मैं उसे कल बोलूंगी। स्लैब पे झाड़ू लगाई है? स्लैब पे जो था ना स्लैब वो झाड़ के गई थी, स्लैब पे उसने झाड़ू से सफाई करी। पक्का? पक्का। और वही झाड़ू वो बाहर भी लगा रही है, उसे वही स्लैब पे मारी है भाई, आज पकड़ी गई वो। तो मैं बोल रही थी कि आज पकड़ी गई है, बताती हूँ। सोचो पहले दिन में पकड़ी गई, क्या क्या करती होगी वही। पता क्या था, वो कैमरा वाला कह रहा था कि हमने एक जगह पे लगाई थी, क्या बोलते कैमरा लगाया, और अगले दिन जो खाने वाली थी वो भग गई। मैंने आज देख लिया, उसे पता नहीं है और मैं किसी को बताने नहीं वाली हूँ कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि इतना ध्यान कोई ऊपर देता नहीं है। तो आज मैंने देखा, और मैंने ये भी देखा कि वो सोफे के लिए झाड़ू नहीं लगा रही, फिर मैं अपने बेडरूम से ही चिल्लाई कि यार सोफे के लिए झाड़ू लगा देना, और पता है तुम स्ट्रेट खड़े झाड़ू लगाती, मेरे को यही लग रहा है मेरे को अपनी हाउस हेल्पर ना चेंज करनी पड़ जाए, पता चला मेरे को गुस्सा आ गया। कब की बात है? जस्ट बर्तन हो गए थे, फिर उसने झाड़ू उठाई थी यहाँ से आके, तो फर्स्ट वो रसोई में गई थी, रसोई की झाड़ू मुझे लगा दी। यहाँ आ चुकी थी उसके पहले की बात है, यहाँ तक आ चुकी थी झाड़ू लगाने? नहीं झाड़ू लगा के नहीं, पहले सबसे पहले झाड़ू लगाई उसने, पहले उस साइड की लगाई होगी ना। हाँ, हाँ, नहीं तो यहाँ तक तो आ गई झाड़ू, लेकिन झाड़ू स्लैब में मारी उसने झाड़ू। मैंने सोचा कल मैं रिकॉर्डिंग में बोलूंगी, क्या होता है ना एकदम से ना इंसान वो ऐसी है या कोई भी ऐसा होता है कि वो बोलता है अरे यार मैंने नहीं मारा मैंने नहीं मारा, मेरे को लगा रिकॉर्डिंग रखी हुई है, मैं बताऊंगी बेटा तुमने मेरी झाड़ू मारी स्लैब पे। देखा मारी है ना? हाँ वो मैं उसे झाड़ू मारी स्लैब पे, और वो पता नहीं कब से झाड़ू मार रही है स्लैब पे, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए कभी, झाड़ू लगा रही है, मेरे को लगा जो झाड़ू लगा रही है कोई ना, मुझे मतलब स्लैब पे मारी ना, मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया, पर मैं सुबह सुबह किसी से कुछ बोलती नहीं, मेरे को लगा कल मैं रिकॉर्डिंग दिखा के उसे बोलूँगी क्या है ये। ये देखिए अब यहाँ पे ये हाथ रखिए और ये गया स्लैब पे झाड़ू। नहीं तुम ये नहीं बोलोगी क्या? आप ये नहीं बोलोगी रिकॉर्डिंग? नहीं रंगे हाथ नहीं, राजा ने बोला है, बोला आप तुम्हें नहीं बोला, नहीं बोलना चाह रहे थे, राजा ने बताया। कैमरा नहीं बताओ ना, कैमरा मत बताओ उसको। कैमरा मत बताओ, बोला राजा ने बोला है ये बोलना। पता क्या होता है ये झाड़ू ना आपको पता है हर जगह लगती है, और बहुत दो और बालकनी में लग रही है यही झाड़ू लग रही है, यहीं पे लगा के आ रही है बाहर वो झाड़ू, वहाँ पे दस तरह के पैर और वो होते हैं, और वही झाड़ू स्लैब पे जा रही है। मैं किसी को बता ही कैमरे के बारे में, तो मैं उसको भी मैं सिर्फ ये बोलूंगा हाँ मैं ये बोल दूंगी तुमने देख लिया था है ना, या तो वो कल फिर करेगी, वो तो डेली करती होगी। ये आगे रिकॉर्डिंग हुई ना, रिकॉर्ड कर लिया ना मैंने। हाँ
बेस्ट है पता, आपको बेस्ट है पता, घर में कैमरा लगा के रखिए, बेस्ट चीज आएगी आपको घर में कैमरे होने चाहिए। दो तीन चीजें जगह पे मत लगाइए, लाइक बेडरूम में मत लगाइए, वॉशरूम में मत लगाइए, बट और जगह पे कैमरे होने चाहिए कि अगर आप लेटे हुए, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा यही होता है कि जब वो काम करती रहती है तो मैं बेडरूम में रहती हूँ और सोती रहती हूँ, उस टाइम पे वो काम करती है। और वो तो मैं रसोई के स्लैब पे, ऐसे तो मैं रोटी स्लैब पे रोटी बोटी भी नहीं बेलती हूँ, जो लोग स्लैब पे रोटी बेलते हैं उनकी ये वो था, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया कि चलो हाथ धोगे, कुछ ना कुछ देखने मिल रहा है, पता चलता रहेगा। एक्चुअली अब ये रहेगा कि अगर हम लोग बैठ के खाना भी खा रहे हैं बेडरूम में तो एटलीस्ट नजरें रहेंगी। सोच रही हूँ कि मैं एक ये मास्क लगा लेती हूँ, अभी एक मास्क पता नहीं यार हनी का है और आगे का नहीं पता, तो मास्क लगाने के बाद मैं मास्क लगा के मतलब हम बोल रहे थे हमको लगा दो तो खुद ही लगा लेंगे। ये पापा आया है, पपाय पपाय है, पपाय पपाय था ना किसी में, पपाय वो उसमें आता है ना डांस में, मुकां 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 नहीं रहते यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और पता नहीं कैसा ब्लॉग है पर कैमरा हो गया, सिक्योरिटी हो गई है, आप भी कराइए घर में और बताइए कि सही कराया हमने या नहीं कराया, और बस मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बाय।